अगर आपको मास्क लगाना है तो दिन में आपको 4 से ज्यादा मास्क बदली करने पड़ेंगे, जो कि असंभव सा दिखता है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपने मास्क लगा रखा है, लेकिन अभी की जो जानकारी है ये है कि मास्क इतना यूजफुल नहीं है, ये आपको ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता है, और जो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ेगा, आने वाला जो समय है और आने वाली जो जनरेशन है और वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है वो सिर्फ मौत की ओर हमें लेके जा रही है। हमें आगे आना होगा, पेड़ लगाने होंगे, गंगा कावेरी कॉलिंग यू जैसे अभियानों से जुड़ना पड़ेगा। हम जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, आपने ये जो पोस्टर बनाया, इसका क्या मतलब है, क्या क्या कहना चाहते हैं पोस्टर के जरिए, क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि जो दिल्ली है वो मिट चुकी है, जो दुनिया है वो सिर्फ मौत की कगार की ओर जा रही है। हम और आप, जैसा कि आप भी मास्क लगाए हुए हैं, आने वाली जनरेशन को ना ही मास्क मिलने वाला है, ना ही पीने के लिए पानी मिलने वाली है, और ना ही प्योर वायु मिलने वाली है। हम ऐसे विकास का क्या करेंगे जहां सिर्फ विनाश ही विनाश है। पॉल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके की बातें चली थी कि पराली सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं है राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए, क्या कहेंगे आप? पराली जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सब लोग अपनी गाड़ियों का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, सरकार फैक्ट्रियों को खुलेआम चलने दे रही है, और हम सबको साइकिल यूज करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पानी और पेड़ के लिए अगर संघर्ष है तो हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें गाड़ियों का यूज जो है वो कम करना पड़ेगा। अब तो गॉड भी ये मैसेज दे रहे हैं दैट मैं दिल्ली को नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ दिन बाद उनका मैसेज आएगा कि सॉरी मैं इस दुनिया को नहीं देख पा रहा हूँ और अब मैं प्रकृति विनाश करने पे उतर ही आया हूं। ये दूसरे लोग हैं। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब एक नई बात निकल कर आई है कि पराली अकेली जिम्मेदार नहीं है इस हालात को लेकर, क्या कहेंगे आप? सर, पराली से दिक्कत नहीं है, पराली तो वो पहले भी जलती रहती थी। सब ज्यादा प्रदूषण है वो गाड़ियों से। ये गाड़ियों जब तक कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं बढ़ावा मिलेगा, तब तक यहाँ पे कुछ। शुक्रिया। जिस तरीके लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता है पॉल्यूशन को, बिल्कुल उन फैक्टर्स पर सरकार को ध्यान देना होगा जो वाकई पॉल्यूशन के लिए और हवा की गुणवत्ता खराब करने के लिए जिम्मेदार है। निकट, अभी तक तो ये सोच रहे थे हम भी, और मुझे लगता है बाकी लोग भी जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मास्क से वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, पॉल्यूशन से बच सकते हैं, लेकिन पर्यावरणविद ये कह रहे हैं कि जो मास्क है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। निकट, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में पहल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में आज सुनवाई होगी। शनिवार को 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच गाड़ी की पार्किंग को लेकर छिड़े विवाद में 20 पुलिस वाले और 8 वकील बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल सीपी की अगुवाई में एक खास टीम भी बनाई गई है जो नए सिरे से मामले की पड़ताल कर कार्रवाई करेगी। कोर्ट परिसर में गाड़ी की पार्किंग पर यह विवाद शुरू हुआ था जिससे वकील भड़क गए और हंगामा हो गया था, लेकिन इस सबके बीच इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए गायत्री, बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह हुआ है कल 30,000 केस में कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उन्होंने खुद मामले में संज्ञान ले लिया है और आज वो 1 बजे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेंगे। जाहिर तौर पर इसमें पुलिस को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा शायद, या उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मुख्य न्यायाधीश जो रंजन गोगोई हैं उनके घर पर भी एक बैठक चल रही है कल की घटना को लेकर, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली समेत कई एसोसिएशन के प्रतिनिधि जो शामिल हैं, और 30,000 कोर्ट में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी भी एक बैठक हो रही है, और रणनीति बनाई जा रही है कि इस पूरी जो मामला है उसको कैसे उसका निपटा जाए और किस तरह से जो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई है उसकी मांग लगातार वकील कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं। 30,000 कोर्ट के वकील भूख हड़ताल पे भी चले गए हैं कुछ, तो ये देखना होगा कि 1 बजे जो अहम सुनवाई होगी उसमें क्या निकल के सामने आता है। ये वकीलों की तरफ से आनंद अपील की गई थी या फिर कोर्ट की तरफ से खुद संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले का? ये देखिए, कोर्ट की तरफ से खुद संज्ञान लिया गया है, हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, और उसके बाद 1 बजे इसमें जो सुनवाई है वो शुरू होगी। कितने घंटे ये सुनवाई चलती है ये देखना होगा, और उसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्या टिप्पणी हाईकोर्ट करता है इस पूरे मामले को लेके ये देखना होगा, क्योंकि 2 FIR इसमें दर्ज हो चुकी हैं, क्रॉस FIR दर्ज हुई हैं दोनों जो वकीलों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, और सब पूरे मामले की जाँच जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो SIT है वो कर रही है। चलिए, शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद पहल करते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई का फैसला किया है, और इस मामले में आज दिल्ली